अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सोशल मीडिया पर मशहूर टर्किश शेफ़ बराक की ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें ये काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं और अपने फैन को कुछ बताना चाह रहे हैं। तो बराक क्यों है परेशान और क्या बताना चाह रहे हैं अपने फैंस को, आपको बताएंगे आज की वीडियो में। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड, आपने इस हंसते मुस्कुराते शेफ़ को अक्सर सोशल मीडिया पर देखा होगा। इनका मुख्तलिफ अंदाज इनको बाकी शेफ़ से बिल्कुल अलग कर देता है। यहाँ तक कि जो लोग कुकिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते, वो भी शेफ़ बराक की वीडियोज़ इंतहाई शौक से देखते हैं, जिसकी वजह एक तो इनकी मुस्कुराहट, दूसरा इनका खाने पकाने का अंदाज। ये अपने काम में इतने एक्सपर्ट हैं कि इनको कुछ काटने या पकाते हुए इसे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बस हंसते मुस्कुराते कैमरे को देखते जाते हैं और खाना पकाते जाते हैं। इनके इसी यूनिक अंदाज की वजह से सोशल मीडिया पे इनके फॉलोअर्स मिलियन में हैं, मगर इनकी यही मकबूलियत बन गई है इनके लिए प्रॉब्लम। वो कैसे, आप खुद देख लीजिए। हेलो एवरीवन, आई एम शेफ बराक। दिस इज फर्स्ट जेजेने बराक रेस्टोरेंट इन इस्तांबुल। आई हैव ओनली वन रेस्टोरेंट इन इस्तांबुल नियर टू Vadi İstanbul Mall. Vadi İstanbul Mall near Sizyan Burak Restaurant. I have only one restaurant in Istanbul, this restaurant. Don't believe any fake and thief restaurant. This is first restaurant, Burak Restaurant in Istanbul. Esselamu Aleyküm, merhaba, ana şef Burak. तो फ्रेंड, देखा आपने, शेफ बराक की मकबूलियत को कैश कराने के लिए लोगों ने इनके नाम से रेस्टोरेंट खोलना शुरू कर दिए हैं। और जब ये मामला हद से ज्यादा बढ़ गया तो इन्हें खुद सोशल मीडिया पे आके सफाई देनी पड़ी और अपने फैंस को बताना पड़ा कि नकालों से होशियार रहें, क्योंकि तुर्की में इनका सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है जो कि इस्तांबुल में है। और इसके साथ ही इन्हें मजीद सफाई देते हुए अपने रेस्टोरेंट की लोकेशन भी बतानी पड़ी, ताकि लोग नकालों से होशियार रहें। तो फ्रेंड, वाकई शोहरत बाज़ औक़ात बन जाती है मुसीबत। तो आप कितना मुत्तफिक हैं इस बात से, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपकी राय के इजहार का इंतजार रहेगा। मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया।